हेलो दोस्तों, आपको मैं चरण बहुत स्वागत है। मैं फिर से आप लोग बहुत से यहाँ पर रिक्वायरमेंट मैं लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए डेली आप लोग के लिए एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें हमारी दिन भर में जितने भी कंपनी हमारी आई हुई है सारे कंपनीज को मैं यहाँ पर कवर करूँगा। ठीक है, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट आप लोग के लिए ओरिजिनल जो जो आया हुआ है वो सारे रिक्वायरमेंट को मैं यहाँ पर कवर करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करके आप जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए हम आज के मतलब आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आप लोग के लिए 8 कंपनीज की तरफ से मैं रिक्वायरमेंट मैं लेकर आया हूँ। ठीक है ना, 8 कंपनी मतलब बहुत सारी कंपनी है, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक आप देखते रहेगा, नहीं देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक आप देखते रहेगा। चलिए हम आज के रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा वॉकिंग इंटरव्यू है। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर जो कंपनी है वो तावरा माइंस एंड मिनरल्स है। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैली इसमें 1,50,000 से 3,00,000 पर एनम सैली प्रोवाइड की जाइए। वॉकिंग इंटरव्यू से 20 फरवरी से 26 फरवरी तक इसका वॉकिंग इंटरव्यू है। और वॉकिंग एड्रेस यहाँ पर बैंगलोर है। एचआर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है। जॉब रोल इसमें मैकेनिकल इंजीनियर है। एम्प्लॉयमेंट टाइप इसे फुल परमानेंट जॉब है। जो लोग BE BTEC किसी भी ट्रेड से जो लोग किए वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर जो कंपनी है वो द आंध्रा शुगर लिमिटेड है। इसमें फ्रेशर है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब एड्रेस का आंध्र प्रदेश है, मतलब बहुत सारे लोकेशन के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट आया हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। तो जॉब रोल इसमें मैकेनिकल इंजीनियर है। इंडस्ट्री टाइप में इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और मशीनरी है। डिपार्टमेंट इसे प्रोडक्शन मैनुफैक्चरिंग है। जो डिप्लोमा मैकेनिकल जो लोग किए वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर जो कंपनी है वो मदरसन कंपनी है। इसमें फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैली इसमें 2,25,000 पर एनम सैली प्रोवाइड की जाइए। जॉब एड्रेस का चेन्नई है। नॉलेज आपका कैट टूल मतलब ऑटो कैट का नॉलेज होना चाहिए और MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो लोग BE BTEC मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल जो लोग किए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपनी है वो जैब्रोनिस कंपनी से फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब एड्रेस का माधवरम चेन्नई है। HR कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। जॉब रोल इसमें प्रोडक्शन इंजीनियर है। इंडस्ट्री इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन जो लोग किए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे इसके पहले अब नेक्स्ट वाले रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे देखिए, ये भी हमारा रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी नेम हमारा जो है वो DE H है। इसके इलेक्ट्रोड्स प्राइवेट लिमिटेड इन फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैली इसमें 1,50,000 से 2,00,000 पर एनम सैली प्रोवाइड की गई है। जो जॉब एड्रेस का इंदौर है। जो डिप्लोमा मैकेनिकल जो लोग किए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपनी है वो एलिकोर हेल्थ केयर सर्विस है। इसमें फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैली इसमें 1,75,000 से 2,25,000 पर एनम सैली प्रोवाइड की जाइए। वॉकिंग इंटरव्यू से 24 फरवरी से 24 फरवरी तक इसका वॉकिंग इंटरव्यू है। वॉकिंग एड्रेस का हैदराबाद है। पास आउट इसमें 2022 जो पास आउट है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डिप्लोमा या BE BTEC इलेक्ट्रॉनिक या टेली कम्युनिकेशन जो लोग किए वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपनी है वो हमारा है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग कंपनी। फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब एड्रेस का भी आंध्र प्रदेश है। HR कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। जॉब रोल इसमें मैकेनिकल इंजीनियर है। जो डिप्लोमा या BE BTEC मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल जो लोग किए वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंपनी है वो साइस इम्पैक्ट से इसमें फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब एड्रेस का नवी मुंबई है। 2021 से 2022 के जो लोग पास आउट किए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग BE BTEC मैकेनिकल जो लोग किए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सही यहाँ पर रिक्वायरमेंट आया हुआ है। तो इसका लिंक मैं चैट डिस्क्रिप्शन में पढ़ कर दूँगा। अगर जो वीडियो चली हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, वंदे मातरम।